Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine and safe. I'm your teacher. Today we are going to start our next grammar class. So open your books. Grammar tree, आपकी बुक है, इसमें बुक पेज नंबर 9 ओपन कीजिए. पेज नंबर 9. नेमिंग वर्ड्स. सम नेमिंग वर्ड्स गो टूगेदर. हेयर इज एन एग्जाम्पल, शूज एंड सॉक्स. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में नेमिंग वर्ड्स पढ़ाए थे ना, कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं. हर एक चीज का अपना एक अलग नाम होता है और हम उन्हें नामों से पुकारते हैं तो वो नेमिंग वर्ड होते हैं. और कुछ नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास शूज एंड सॉक्स. अगर नेमिंग वर्ड शूज है तो सॉक्स जो है वो उसके साथ ही है ना, हम शूज के साथ सॉक्स पहनते हैं ना. तो कुछ नेमिंग वर्ड आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स विच गो टूगेदर. कनेक्ट ईच पेयर बाय ड्रॉइंग लाइन. वन हैज बीन डन फॉर यू. स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे मेरे पास एक पिक्चर है. अभी मैं आप देखिए स्टूडेंट, ये पिक्चर जो है ना हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ नेमिंग वर्ड है. तो हम पिक्चर को देखेंगे और नेमिंग वर्ड से मैच करेंगे कौन सा नेमिंग वर्ड आपस में मैच हो रहा है. अब जैसे कि नंबर वन पे हमारे पास शूज है, तो शूज के साथ क्या मैच हुआ? सॉक्स. इसी तरह से यहाँ देखिए शर्ट है ना, अब शर्ट के साथ क्या मैच होगा, कौन सा नेमिंग वर्ड जो है वो शर्ट के साथ मैच होगा? कप या शॉर्ट. जब हम शर्ट पहनते हैं उसके साथ क्या करते हैं? शॉर्ट पहनते हैं ना, तो क्या करेंगे, शर्ट को शॉर्ट से मैच कर देंगे, क्योंकि ये दोनों नेमिंग वर्ड सेम है और आपस में एक साथ मिलते हैं, इसलिए शर्ट को शॉर्ट से मैच कीजिए. यहाँ हमने ये मैच कर लिया. उसके बाद देखें सर, ये है कप. अब कप को हमें किस नेम से मैच करना है? यहाँ देखें, कप को हम काउ से तो मैच नहीं कर सकते ना पेंसिल से. कप के साथ क्या होता है? सॉसर. ये कप है ना, ये इसकी सॉसर है. तो ये दोनों नेमिंग वर्ड एक साथ है, टुगेदर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे. तो मैच कीजिए मेरे साथ. सबने मैच कर लिया. एच एन हैन. हैन को हम मैच करेंगे एग से. मैच कीजिए. डन क्लास. हैन को हमने एग से मैच कर लिया. उसके बाद हमारे पास है काओ. अब काओ को हमें किससे मैच करना है आप बताइएगा. काओ को हम पेंसिल से मैच करेंगे, बैट से मैच करेंगे या मिल्क से मैच करेंगे? काओ के साथ कौन सा नेमिंग वर्ड टुगेदर है? तो काओ मिल्क, ये करेक्ट वर्ड है. तो हम क्या करेंगे, काओ को मिल्क से मैच करेंगे. तो मैच कीजिए. ओके क्लास, काओ को मिल्क से मैच किया आपने. डन.